नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर शैलेश चैनल में। भाइयों, मैं हूं शैलेश और लेकर के आपके लिए मार्शल आर्ट की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध करके, आँखों को बंद करके कैसे किक का यूज़ कर सकते हैं। भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध करके, आँखों को बंद करके कैसे अपने यूज़ को सही निशाने में मार सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि फाइट हो रही है या कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जा रहा है जिसमें आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसके बावजूद आपको लड़ना पड़ जाए या अगले के ऊपर अटैक करना पड़ जाए, तो उस चीज़ का मैं आपको आज दोस्तों टेक्निक बताने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद आप आवाज़ को कैसे पहचान करके अटैक करेंगे, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। कौन सी ऐसी ट्रिक होती है जिसमें आप आवाज़ सुन करके उसके ऊपर अटैक कर देंगे और अटैक आपका एकदम सही जगह लगेगा। भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि अगर आपने किसी चीज़ को टच किया और आप देख नहीं सकते हैं या आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद उस पर किक कैसे मार देंगे और वो किक एकदम सटीक लगे, तो इसका आज मैं आपको दोस्तों पॉइंट बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिस ट्रिक को आप इस किक में यूज़ करेंगे। भाइयों, सबसे पहला जो होता है, सपोज़ दैट हमारे सामने कोई बंदा खड़ा है और हमारे आँखों में प्रॉब्लम हो चुकी है, हमने उसे टच कर लिया है, छू लिया है, तो इस चीज़ को हम अपने किक से नापते हैं, किक से स्टांस को क्लियर करते हैं। सपोज़ दैट हम यहाँ खड़े हैं, अगर इस जगह पे, तो हमारा बंदा यहाँ पे है, तो हमको जस्ट यहाँ से एक फिट पहला पैर और दूसरा पैर उसके एक मीटर नीचे, उसके बाद दोस्तों आपको 45 डिग्री एंगल लेते हुए राउंड किक, ट्विस्ट किक, डोलियो चागी, ये सारी किकें आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बंदा मेरे एकदम लिपट करके सामने ऐसे खड़ा है और मुझे वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं या कोई प्रॉब्लम है उसमें, तब उस कंडीशन में आपको उसमें कैसे अटैक करना है। भाइयों, आज इस सारी वीडियो में इसकी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, सपोज़ करिए भाइयों कि ये बंदा मेरे इतनी पास खड़ा है और मुझे इसे हिट करना है कोई टॉर्नेडो किक से, कोई राउंड करने वाली किक से, तो मैं इससे एक स्टांस पीछे यहाँ पे, जहाँ से मेरी किक किसके छाती में पूरी सटीक पहुँच सके, वहाँ पे जब दोस्तों किक मारते हैं और पंजा खोलते हैं तो दोनों में अंतर होता है। किक मारेंगे, हमने किक मारा, सीधी किक उठा करके इसे छाती मारी तो हमारी रेंज कम होगी, वहीं पर अगर हमें इस बंदे को ढोली चागी मार रहा हूँ यहाँ पर, तो उसकी बात अलग होगी। भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप आँखें बंद करके कैसे मारेंगे। मैंने आंखें बंद की और ये बंदा यहाँ से इतनी दूरी पे है, मुझे पता है भाई उस बंदे का जो रेंज है मुझसे समथिंग एक मीटर दूर है, तो मैं इस बंदे को खड़े खड़े ढोली उछाली, उस बैक किक, यहाँ से बैक किक, उसके बाद भाइयों यहाँ से मैं इनके ऊपर राउंड किक भी ले सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आँख बंद करके मैं आपको एक डैमो करके दिखाता हूँ कि आप आँखों पट्टी बांध के इस किक को कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा समय खर्च किए बिना करके दिखाता हूँ। ने देखा कि मैं जब टाइल्स तोड़ने वाला था उससे पहले मैंने उसे टच किया था। टच करने सेंस ये होता है भाइयों कि हमें अपने हाथों का अंदाज़ा लग जाता है कि हमने उसे अपने हाथों से टच कर ली, ये चीज़ हमारे शरीर से इतनी दूरी पे है, और उसी हिसाब से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद उस किक को उसके ऊपर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस में आप अगर कमी आई तो किक नहीं आप कर पाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए। आपने किक किया राउंड किक, जैसे आपने सपोज के लिए राउंड किक मारा, तो अपने हाथों से एक फिट, इस पैर को एक फिट दूर और इस किक को जितना आप स्टांस सुटेबल बैठ रहे आपके हिसाब से उतना दूर करना है, और दूर करने के बाद दोस्तों पूरा राउंड अप लेते हुए आपको अपने फेस के बराबर, सपोज दैट मैंने उसे शोल्डर बराबर रखा है, तो आपको जो नी है उसको टारगेट से एक फिट नीचे रखना है, आपका टारगेट सही जगह लगेगा। और
मैंने फेस के ऊपर रख रखा है, तो जो मेरा थाई है उसको मैं अंदर से ले जा कर के ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद भाई जब मैं पूरा पैर खोलने वाला हूँ उस समय मैं कोशिश करूँगा कि मेरा घुटना जो है मेरे फेस के बराबर आए। जब घुटना जहाँ पे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किक किया, तो मेरा जब जो नी जा रहा है लास्ट वाले से पहले का हिस्सा, नी जहाँ से ट्रैवल कर रहा है उस एरिए से समथिंग एक फिट ऊपर की दूरी टच होती है पैरों से। तो यही दोस्तों ट्रिक है इसमें, इसी ट्रिक से आप अगले के ऊपर अटैक करेंगे। आशा करता हूँ भाइयों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल मास्टर सेलेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको जरूर हिट करिएगा। दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए और जाते जाते वीडियो लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।